बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं और दिल्ली से एक खबर है। राज्यसभा चुनाव पर भूपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया है। विधायकों की संख्या होती तो विनेश को राज्यसभा भेजते, ये कहना है भूपेंद्र हुड्डा का। हम विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजते अगर हमारे पास विधायकों की पर्याप्त संख्या होती तो। हमारे पास राज्यसभा के लिए नंबर नहीं है, ये कहना है भूपेंद्र हुड्डा का। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राज्यसभा चुनाव पर भूपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया है। भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि अगर हमारे पास विधायकों की पर्याप्त संख्या होती तो हम अपनी तरफ से विनेश को राज्यसभा के लिए भेजते, हम विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजकर उनका सम्मान करते। अब विनेश फोगाट के देखिए सम्मान की बातें हर ओर हो रही हैं। अब वो हरियाणा में बीजेपी सरकार हो या फिर विपक्ष ही क्यों ना हो, अलग अलग तरीके से अपनी बातें रखी जा रही हैं कि किस तरह से विनेश फोगाट को सम्मान दिया जाना चाहिए। हालांकि हरियाणा सरकार का कहना है कि वो विनेश फोगाट को एक मेडलिस्ट के तौर पर ही देखेगी। इधर कांग्रेस का कहना है कि अगर उनके पास विधायकों की पर्याप्त संख्या होती तो वो विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजते, राज्यसभा भेजकर विनेश का सम्मान करते, ये कहना है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। कह रहे हैं हमारे पास राज्यसभा के लिए नंबर नहीं है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। तो एक बड़ा बयान भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से यहाँ पर दिया गया है। सीधे सीधे यहाँ पर वो एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनके पास ये पर्याप्त संख्या होती विधायकों की तो वो विनेश फोगाट का कुछ इस तरह से सम्मान करते। देखिए, क्योंकि पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट ने जिस तरह से जीतोड़ मेहनत की, उसके बावजूद जो कारण, जो चुनौतियां सामने आई, विनेश को डिस्क्वालिफाई कर दिया गया, जिसके बाद से ही भारत में भी, अब वो भले ही केंद्र सरकार की बात करें, विनेश को एक चैंपियन के तौर पर ही देखा जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ये कहते नजर आए कि आप चैंपियंस में चैंपियन हैं। बात अगर अन्य केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से की गई तो उनकी तरफ से भी यही कहा गया कि विनेश फोगाट ने बहुत अच्छा खेला है, विनेश फोगाट को पूरा सम्मान दिया जाएगा। हरियाणा सरकार भी, नायब सिंह सैनी भी ये कहते नजर आए कि एक मेडलिस्ट के तौर पर ही विनेश को हम देखेंगे और उसी तरह का सम्मान जो है विनेश फोगाट को मिलेगा। इस बीच विपक्ष ने तमाम तरीके के सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार को दखल देना चाहिए, सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, सरकार इस मामले में जांच करवाए। और इस बीच भूपेंद्र हुड्डा ये भी कहते अब नजर आए हैं कि अगर हमारे पास पर्याप्त संख्या होती विधायकों की तो हम विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजते, राज्यसभा भेजकर विनेश का सम्मान करते। जैसे मैंने कहा, मैं तो यहाँ तक हूँ, हमारी मेजोरिटी होती हाथ में जो है तो उसमें राज्यसभा भेजता ताकि उसका सम्मान रहे। तो मेजॉरिटी होती तो राज्यसभा में भेजते, विनेश का सम्मान करते, कुछ इस तरह से राज्यसभा में भेजकर विनेश फोगाट का सम्मान करते, ये भूपेंद्र हुड्डा का कहना है। क्योंकि आपको बता दें, हरियाणा में राज्यसभा की एक सीट पर पिछले कुछ दिनों से एक चेहरा उतारने को लेकर, एक चेहरा सामने लेकर आने के लिए तमाम तरीके के प्रयास हो रहे हैं, तमाम तरीके की राजनीति भी हुई है। और इस बीच विनेश फोगाट को लेकर भूपेंद्र हुड्डा ये कहते नजर आए हैं कि राज्यसभा चुनाव पर अगर हमारे पास पर्याप्त संख्या होती, मेजॉरिटी होती तो हम विनेश फोगाट को राज्यसभा में भेजकर विनेश का सम्मान करते। जानकारी देने के लिए दिल्ली से मेरी सहयोगी अपराजिता श्री मेरे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता का सीधे रुख करेंगे। अपराजिता, भूपेंद्र हुड्डा का यह बयान सामने आया है कि अगर पर्याप्त संख्या होती, मेजॉरिटी होती तो विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजते, क्योंकि अब विनेश फोगाट के सम्मान की बातें हर ओर उठ रही हैं। तो भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से यह बयान सामने आया है।
जी बिल्कुल, देखिए सृष्टि, लगातार अगर हम विपक्ष की बात करते हैं तो विनेश फोगाट के मुद्दे को लेकर काफी गरमाई भी विपक्ष नजर आई थी। किस तरीके से हमने कल भी देखा था, अगर संसद की हम बात करते हैं तो मनसुख माधवीय के स्टेटमेंट के बाद काफी इंडिया अलायंस की अगर हम बात करते हैं तो वॉकआउट कर गई थी। वही ऐसा कुछ अगर आज की हम बात करते हैं तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हुए नजर आए हैं कि विनेश फोगाट को सिल्वर नहीं बल्कि गोल्ड मेडल के हिसाब से उन्हें चीजें देनी चाहिए। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी ने कहा है कि उन्हें सिल्वर के हिसाब से जो भी चीजें सुविधाएं होंगी, तमाम चीजें, इज्जत, सभी चीजें उन्हें दी जाएगी, जिसको लेकर के दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और तमाम जितने भी कांग्रेस सांसद हरियाणा के हैं, तमाम के द्वारा कहा गया है कि उन्हें सिल्वर नहीं गोल्ड की जितना उन्हें सम्मान देना जरूरी है, क्योंकि अगर उन्हें मौका मिलता तो वो गोल्ड ही लेकर हमारे लिए आती। साथ ही राज्यसभा को लेकर भी कहा है कि अगर हमारे पास मेजोरिटी होती तो हम उन्हें ही राज्यसभा में भेजते, जिसको लेकर के सवाल किया गया कि अगर बीजेपी को लेकर के किस तरीके से क्या ऐसा कुछ बीजेपी के सामने चीजें रखी जाएगी, जिसको लेकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा कहा गया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उनकी जो स्टैंड होगा वो अपना स्टैंड लेंगे, मगर अगर हम अपनी बात करते हैं तो अगर हमें मौका मिलता, हमारे पास मेजोरिटी होती तो बिल्कुल राज्यसभा में हम विनेश फोगाट को ही आगे भेजते। साथ ही जो खिलाड़ियों के सम्मान को लेकर भी उन्होंने कहा कि किस तरीके से उन्होंने मेहनत की और कुछ की वजह से जो भी तमाम चीजें रही हैं उनके वजह से उन्हें नहीं आगे जाने दिया गया, वो सभी चीजों को वर्णन करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा नजर आए। और हालांकि साथ ही खिलाड़ियों के सम्मान को लेकर भी चीजें उनके द्वारा कही गई है कि विनेश फोगाट को पूरी तरीके से सम्मान मिलना चाहिए और गोल्ड मेडल की जितना ही उन्हें बराबर सम्मान मिलना चाहिए। राजनीति तो नहीं होनी चाहिए, ये हमेशा से कहा गया है, खुद विपक्ष भी कहता है, सरकार भी कहती है कि राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए खेल को, लेकिन कल भी कुछ इस तरह के बयान सामने आए हरियाणा में विपक्ष की तरफ से, जब उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट के साथ जानबूझकर गलत किया गया है, तमाम तरीके के सवाल उठे। कुमारी शैलजा ये कहती नजर आई कि इस मामले में सरकार को भी दखल देना चाहिए, ओलंपिक संघ को भी इसमें दखल देना चाहिए, भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से भी यह बयान सामने आया था, तो कहीं ना कहीं अब इसमें सरकार से भी कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो जवाब मांग रहा है और सरकार की दखल अंदाजी की भी मांग जो है वो विपक्ष करता नजर आया है। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम विपक्ष की बात करते हैं तो बिल्कुल कुमारी शैलजा ने जिस तरीके से सवाल उठाया था कि अगर उनका वेट ज्यादा हो गया तो क्यों वेट ज्यादा हो गया, क्यों मेंटेन नहीं किया गया उनका, क्यों मॉनिटर नहीं किया गया चीजों को, ये तमाम चीजों उनसे सवाल उठाई गई थी। और साथ ही कहा गया था कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, जवाब से ही कौन करेगा। साथ ही दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी ये तमाम चीजें की थी कि बहुत मेहनत से वो जो देश की बेटी वहां पर पहुंची थी, बहुत मेहनत की थी उन्होंने और किस कारणवश जो 100 ग्राम ऊपर नीचे, हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जो 100 ग्राम ऊपर नीचे हुआ है ये कंसिडर हालांकि किया जाता है, ये सवाल पूछे किए जा रहे थे, हालांकि कई सवाल किए गए थे, मगर जिसके बाद फिर जब लोकसभा में मनसुख मांडविया ने जब स्टेटमेंट दिया कि किस तरीके से कितना वेट था, सम 52 पॉइंट से ज्यादा उनका वेट था, हालांकि बहुत सोना किया गया था, स्किपिंग, जॉगिंग, तमाम चीजें की गई थी, मगर फिर भी 100 ग्राम ज्यादा ही रह गया। इसके बाद फिर हेल्थ स्टेटमेंट भी हालांकि उनका सामने आया था, पीटी ऊषा ने भी उनसे मुलाकात की थी, इसके बाद तमाम पूरा डिटेल में उनके जो हेल्थ स्टेटमेंट सामने आए थे, किस तरीके से स्टीम बाथ, सोना जैसे तमाम चीजों को मेंशन किया गया था, मगर प्रोफेसर विदुरावल जी जुड़े हैं मेरे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, केवल ढींगरा जी भी जुड़े हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। विदुरावल जी, आपने सुना होगा भूपेंद्र हुड्डा का बयान, वो कह रहे हैं कि अगर मेजोरिटी होती, पर्याप्त संख्या बल होता तो हम विनेश फोगाट का सम्मान राज्यसभा में भेजकर करते। देखिए बड़ा हैरान करने वाला बयान है, ऐसा नहीं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास कभी मेजोरिटी रही नहीं, ऐसा नहीं कि भारतीय ओलंपिक्स में या हमारे कंटिंजेंट ने कभी कोई अच्छा किया नहीं, लेकिन कभी राज्यसभा से सांसद बनाया नहीं, उल्टा भारत के जो एक बहुत सम्मानित खिलाड़ी रहे हैं संदीप सिंह, उनके प्रति किस प्रकार का विष वो जो है लिए घूमते रहते हैं। संदीप सिंह भारत की हॉकी टीम के कप्तान रहे हैं, ओलंपियन रहे हैं, ओलंपिक्स में भारत का उन्होंने सम्मान बढ़ाया कई बार, लेकिन उसके बावजूद भी उनके खिलाफ उन्होंने उम्मीदवार भी उतारा था जब सेवा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। और इसी प्रकार से योगेश्वर दत्त जो है वो इन सब जो अभी नई पीढ़ी के जो खिलाड़ी हैं इन सब के जो है आदर्श रहे हैं, इन सबको जो है ट्रेन किया है योगेश्वर दत्त ने। योगेश्वर दत्त को तो किस प्रकार से हर पूरे बापू बेटा दोनों ने लड़कर खड़े होकर उपचुनाव में और उससे पहले भी जो आम चुनाव था उसमें भी जो है हराने का काम किया था बड़ौदा में। और फिर ये कहना कि हमारे पास मेजोरिटी नहीं है, कभी थी नहीं क्या मेजोरिटी? जब थी तब कितने विनेश फोगाटों को इन्होंने राज्यसभा में भेजा है, तब तो केवल दीपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा कुछ दिखता नहीं है, तब तो केवल दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए आरक्षित हो जाती है सभी सीटें। तो अब ये कहना बड़ा गलत है, ये मुझे काफी हद तक जो है कांग्रेस की जो एक
आज चरित्र बन चुका है उसका ध्यान दिलाता। तो आपको क्यों लग रहा है कि क्यों इस तरह का बयान भूपेंद्र हुड्डा ने दिया? क्योंकि नहीं कर सकते ना, क्योंकि जब करना होता है तो अपने लिए करते हैं, जब नहीं कर सकते, जब अब हमें पता है पिछले दो महीने से बार बार जो है दूसरे लोग उनको ललकार रहे हैं, जेजेपी वाले इनेलो वाले उनको कह रहे हैं कि आप उम्मीदवार उतारो, ये इनके पास कोई उम्मीदवार नहीं, हिम्मत नहीं है, यानी बचा हुआ झूठा माल जो है ये देश की सम्मानित खिलाड़ियों को देना चाहते हैं। जब देने की बात थी, जब दीपेंद्र हुड्डा को भेजा जा रहा था तब क्यों नहीं भेज दिया इन लोगों ने, उस समय नहीं भेजा? इसी प्रकार से जब स्पीकर बनाने का पता था कि लोकसभा का स्पीकर नहीं बना सकते, तब तो इनको दलित याद आ गया, केसी का नाम आगे कर दिया, लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष बनाना था तब राहुल गांधी को बनाया। जहां पर संख्या होती है वहां पर ये अपने अपने लोगों को फिट करते हैं, जवाब देंगे वहां पर। एक मिनट मैं पूरा कर रहा हूँ, प्लीज मुझे समय दीजिएगा, एक छोटा सा पॉइंट और भी सुन लीजिए, इसके साथ ही आगे मेरा समय कर्टेल कर, जल्दी से जल्दी से। जब इनके पास संख्या नहीं होती तो ये इस प्रकार से हमारे खिलाड़ियों को, इस देश के नायकों का इस प्रकार से मजाक उड़ाते हैं, उनको राजनीति का विषय बनाते हैं। दूसरा एक और छोटा सा पॉइंट है, ये फोगाट बहनों में एक बड़ी बहन जो है गीता फोगाट की है, जिनके ऊपर दंगल फिल्म बनी थी। जब सब लोगों को अपने ये डीएसपी बना रहे थे, उस समय गीता फोगाट को डीएसपी क्यों नहीं बनाया था? उनको उतनी अचीवमेंट्स के बावजूद उनको इंस्पेक्टर क्यों बनाया था? ये किस प्रकार से जो हुड्डा का गुणगान करता था उसको तो ये जो है डीएसपी बना देते थे, खिलाड़ियों में भी भेद करते थे। इन्होंने वो घृणित काम किए हुए हैं, इनकी जितनी परतें आप खुलवाएंगे, जितना आप मुझे समय देंगे उतनी मैं इनकी परतें खोलता रहूंगा। ठीक है, अभी आपने अभी भी काफी कुछ कह दिया। ढींगरा साहब, आपने सुना विदुर रावल जी को, आपका इस पर रिएक्शन? और सबसे बड़ी बात उन्होंने यही कही है कि अभी आपके पास संख्या बल नहीं है, इसीलिए इसी तरह के वादे या माफ कीजिएगा दावे जो है वो किए जा रहे हैं। बिल्कुल ये सही बात कही हुड्डा साहब ने कि अगर हमारे पास पूरा पर्याप्त वो होता तो जिस तरह से विनेश के साथ इन्होंने जो नेशनल खिलाड़ी होने के नाते वहां पे जो हालात किए हैं, साजिश के तहत उनको उसके खिलाफ जो कार्रवाई करवाई है, तो हम तो हमारे पास पर्याप्त अगर संख्या। किसने साजिश की है ढींगरा साहब? अभी वो साजिश का पता करना है ना, क्योंकि जो नहीं जो आप कह रहे हैं इतना स्ट्रांगली आप अपना पॉइंट रख रहे हैं कि साजिश हुई है, तो कुछ तो बेस होगा उसका। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, बेस भी बता रहा हूँ, साजिश इस तरह से हुई है कि कांग्रेसियों को भी बेस की जरूरत पड़ती है। नहीं रुकिए, विदुर रावल जी आप देखिए, आप उन्होंने आपको बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया, आप सुनिए। जितने अधिकारी वहां पे गए हैं वो अगर वेट 100 ग्राम अगर इंक्रीज हुआ है तो वो कोई कारण रहा होगा ना। जो अधिकारी वहां पे गए हैं, जो सरकार के अधिकारी थे, उनकी उनकी कहीं ना कहीं साजिश रही होगी, क्योंकि ब्रिजभूषण शरण सिंह के सपोर्ट में खड़ी है सरकार, तो सरकार खिलाड़ियों के साथ तो है नहीं, ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ खड़ी है, उन आदमियों को सपोर्ट करती है जो यौन शोषण का खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनके साथ ये सरकार खड़ी है। ये जो गुरु टेंडा की सरकार है ये भी यही काम करती है, ये खिलाड़ियों के साथ नहीं है, हम खिलाड़ियों के साथ हम कह रहे हैं। तो आप कह रहे हैं सरकार ने साजिश कर दी? बिल्कुल। अच्छा आप इतने बहुत बड़ा बयान है ढींगरा साहब, आप कह रहे हैं सरकार ने साजिश करके अपने ही भारत के खिलाड़ी को हरवा दिया? एक कहीं ना कहीं जो सरकार की इसमें जो हो सकता है, जब इंक्वायरी होगी तो क्लैरिटी आएगी, लेकिन इसमें साजिश की बू आ रही है। और गुरु टेल्ला की सरकार जो है हरियाणा के अंदर वो भी, ये तो वही बात है, खेलों में भी राजनीति हो रही है। चलिए मैं एक छोटा सा कमेंट ले लेती हूँ इस पर रावल जी का, क्योंकि बहुत बड़ी बात यहाँ पर आपने कह दी है, सीधे सीधे आप कह रहे हैं कि साजिश हुई है और सरकार को इसमें आप सवालों के घेरे में लेकर आ रहे हैं। रावल साहब एक छोटा सा रिएक्शन दीजिएगा क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। बहुत हल्की बात कही है, बहुत बड़ा नहीं, बहुत तुच्छा किस्म का बयान है ये। इस बयान की भत्सना होनी चाहिए, इसकी निंदा होनी चाहिए, ऐसे लोगों का एग्जाम्पल बनाया जाना चाहिए, इन पर रील्स और मीम्स बननी चाहिए और सारे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर ऐसे लोगों को एक्सपोज किया जाना चाहिए कि किस प्रकार की तुच्छी बातें करने वाले लोग कांग्रेस के आज प्रवक्ता बने फिर रहे हैं। दूसरी बात, जो सारा सपोर्टिंग स्टाफ था 5 मेंबर्स का, वो दिनेश फोगाट का हैंड पिक था, उसको जो है लाखों रुपए जो है 78,50,000 के करीब करीब जो उन पर खर्च हुआ है वो तो जरूर केंद्र सरकार ने किया, लेकिन वो विनेश फोगाट के द्वारा हंगरी के बुलाए हुए कोच थे जिस पर विवाद भी हुआ था पीछे, उनके डाइटिशियन उनके हैंड पिक थे,
तो ऐसे में जिनको कख नहीं पता होता वो आकर यहाँ पर कुछ भी मुंह चुराकर चले जाते हैं। देश को समझना पड़ा ऐसे राजनीतिज्ञों का क्या इलाज करना है, मैं देश के ऊपर छोड़ता हूँ। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए खैर ये मामला तो बहुत बड़ा है क्योंकि विनेश फोगाट ने जिस तरीके से भारत की बेटी ने मेहनत की थी और एक एक कदम आगे बढ़ाकर वो फाइनल तक पहुंची थी, जो भी उनके साथ हुआ वो बिल्कुल गलत भी है और पूरा भारत आज विनेश का सपोर्ट कर रहा है, उनको सम्मान की नजर से देख रहा है। और इस बीच भूपेंद्र हुड्डा का भी ये बयान सामने आया है, हालांकि इसको लेकर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। तो तमाम तरह की बयानबाजियां जो है वो भी हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि खेलों को कहीं ना कहीं राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए।